नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्क राशि वालों। दोस्तों अपने विरोधियों का, अपने दुश्मनों का कब्र अपने हाथों से खोदेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले 17 दिन आप शिव के जीवन काल में कई प्रकार के खुशियों के आयाम लेकर आने वाले साबित होंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप शिव के जीवन काल में राहु का प्रभाव हट चुका है और भगवान शनिदेव की असीम दृष्टि पड़ चुकी है, जिनसे दोस्तों आने वाले 17 दिनों में आप सभी के जीवन काल में वे घटनाएं होने वाली हैं, जिन्हें अगर आप जान लेंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें आने वाले 17 दिनों में आपके जीवन काल के वे सभी घटनाएं सच होने वाले हैं, जिनको आप सपने में भी सोच नहीं सकते थे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जो भी शनि भक्त वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख दें। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में सभी आपको खुशियां प्राप्त होंगी। जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि शनिदेव की कृपा दृष्टि के कारण आपके आने वाले 17 दिनों में आपके जीवन काल में आपको सभी प्रकार की आर्थिक तंगियों से छुटकारा मिलने वाले हैं। जिन क्षेत्रों में आपने कार्य करने की सोची है दोस्तों, वे सभी कार्य आपको यश में करने को मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि दोस्तों भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से यह 17 दिनों में आपको बहुत ही बड़ी उपलब्धियां मिलने वाली है, जिन्हें दोस्तों अगर आप जानेंगे तो दोस्तों आपके होश तोड़ जाएंगे, लेकिन दोस्तों खुशी के आंसू आप यश में रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो का निर्माण ग्रहों का पूर्ण विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी के लिए निर्मित किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, कि दोस्तों इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यश में आने वाले 17 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा, यश में आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ होंगे, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सावधान भी रहने होंगे, पारिवारिक जीवन में, घर के माहौल में क्या क्या सुधार, कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण बात से, जो कि दोस्तों आपको आने वाले जीवन काल में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो दोस्तों इन्हें कान लगाकर सुनिएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संगत और संकट एक ही सिक्के के दो पहलू है। संगत बुरी या गलत है तो दोस्तों संकट हर पल नजदीकी है, कभी भी आ सकता है। संगत अगर अच्छी है, नेक है तो दोस्तों संकट तो नहीं अपितु सहायता सामने रहेगी। इसलिए संगत कब और कैसे और किससे करनी है महत्वपूर्ण है। अच्छी और बुरी संगत का असर जीवन पर बहुत ही अधिक होता है। तो दोस्तों फैसला आपको लेना है कि अब आपको किसके साथ रहना है। दोस्तों हमारा आप सभी से विशेष निवेदन रहेगा कि जो भी आपके जीवन काल में बुरे संगत के लोग हैं, बुरे व्यवहार बुरे विचार के लोग हैं, दोस्तों आप उनके साथ बिल्कुल ही ना रहें। इनसे दोस्तों आपका आने वाला भविष्य बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको यह बातें समझ में आई हो या बातें अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिखें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते कि आने वाले 17 दिनों में भगवान शनिदेव के यह शुभ दृष्टि के कारण आप शिव के जीवन काल में क्या क्या बदलाव होंगे। दोस्तों यह समय कोई शुभ समाचार मिलने से आप खुद को भावनात्मक रूप से बहुत अधिक सशक्त महसूस करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी काम को अंजाम देने में भी आप सक्षम रहेंगे। प्रकृति आपका साथ भी दे रहा है। आपको बता दें कि आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत लगा दें। इनसे दोस्तों आप अच्छी कामयाबी यश में हासिल भी कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी दोस्त के साथ तकरार हो सकती है। अपने स्वभाव पर यश में आप नियंत्रण रखें। कभी कभी दूसरों पर अधिकार जमाना आपके लिए भी मुश्किलें बढ़ा देता है। बातचीत करते समय जो है उचित शब्दों का चयन करें। जमीन जायदाद संबंधी कार्य जो है यश में स्थगित ही रखें, ये आपके लिए उत्तम होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों काम के प्रति आपकी निष्ठा भी इसमें बढ़ेगी, जिसकी वजह से बड़ों की मर्जी आप पर बनी रहेगी और दोस्तों उनके द्वारा मिले मार्गदर्शन द्वारा आप काम की जगह प्रगति आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं, ये आपके लिए इसमें बेहतर रहेंगे। युवाओं को अपने जीवन शैली पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता भी होगी। आलस्य से इसमें आप दूर रहें। जीवन को बेहतर बनाने की सोच विचार को वास्तविकता का रूप देने के लिए वर्तमान में रहने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों काम की दिक्कत तो आपके ऊपर रहेगी, परंतु उचित सफलता मिलने से आप थकान और तनाव को भी भूल जाएंगे। इसलिए दोस्तों काम में ध्यान को यश में केंद्रित रखें।
इसके उपरांत दोस्तों यीशु में अपनी क्षमताओं तथा प्रतिभाओं को पूरी तरह जागृत करने का समय होगा। आपको अपने व्यक्तित्व में भी निखार देखने को यीशु में मिल सकता है। चचेरे भाई बहनों से किसी वजह से संबंधों में खटास आ सकती है, परंतु दोस्तों रिश्तों को इसमें मजबूत रखने में आपका प्रयास सफल भी रहेगा। नजदीकी संबंधियों के साथ कोई गेट टुगेदर का प्रेम बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए सुन होंगे। आपको बता दें कि खुद की योजनाओं पर टिके रह न रह पाना तथा खुद के द्वारा रखे गए लक्ष्य को अपने आलस्य की वजह से प्राप्त न कर पाना, इनकी वजह से खुद की प्रति चिड़चिड़ा आपकी बढ़ सकती है। दोस्तों आपका बढ़ता गुस्सा नुकसान का कारण हो सकता है। खुद के प्रति अधिक कठोर व्यवहार न रखते हुए अपने लक्ष्यों को छोटे लक्ष्यों में बांटकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इन्हें आप कर पाएंगे। जो लोग आपको मार्ग से भटका रहे हैं ऐसे लोगों से इसमें दूरी बनाए रखिए, क्योंकि दोस्तों भविष्य के लिए ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए सुन होंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से चली आ रही चिंता का यह समय समाधान मिलने से आपकी मानसिक थकान मिटेगी, मानसिक शांति आपको मिलेगी। आपको बता दें कि आप अपने महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्य रूप देने में भी इस समय सक्षम रहेंगे। युवाओं को करियर से संबंधित कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल भी आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों यह समय छोटी मोटी बातों की वजह से किसी के साथ भी ना उलझें तथा अपने काम के प्रति ही आप ध्यान को केंद्रित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कभी कभी आपके विचारों में जो है संकीर्णता हावी हो सकता है, इसलिए दोस्तों इसमें आत्म अवलोकन द्वारा अपनी इसी कमी को दूर करने का प्रयास करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों भावनात्मक होकर कुछ निर्णय लेने की वजह से लोगों के साथ आपके भले ही संबंध अच्छे न बने रहेंगे, फिर भी दोस्तों आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरों को खुश करने की कोशिश क्या आपको खुश रख सकती है या फिर खुश रख रही है, इस बात को जानने की यश में आप कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दिन का अधिकतर समय पारिवारिक गतिविधियों तथा निवेश संबंधी कार्यों में व्यतीत होगा। यश में दोस्तों तथा जानकारों के साथ आप समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इनसे दोस्तों आपका आने वाला जो समय होगा बहुत ही मजबूत समय होगा। ये संपर्क आपके लिए उन्नति का कारक साबित होगा या फिर उन्नति का नए मार्ग यश में ये खोल सकते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों कोई पैतृक संपत्ति संबंधी मसला भी हल होने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों यश में अपनी योजनाओं को पूरी तरह सोच विचार करके ही क्रियान्वित करें। जल्दबाजी में करने से दिक्कत आ सकती है, इस बात का आपको यश में ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों और युवाओं को मौज मस्ती और घूमने फिरने में ज़्यादा ध्यान लगाने की अपेक्षा अपने जो है कार्यों पर ध्यान दें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, ये आपके लिए भविष्य के लिए जो है बेहतर होंगे। दोस्तों अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो यश में आप याद रखें आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। लेन देन संबंधी कार्यों को भी आप यश में टाल दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि शुरुआत में ही कुछ ना कुछ नाराजगी बनी रहेगी, फिर भी दोस्तों अपने लक्ष्यों से आपको भटकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको यश में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जीवन में प्रगति ना देख पाना आपको केवल तकलीफदायक साबित हो रहा है। और दोस्तों लोगों से मिल रही आलोचना भी आपके अंदर से तोड़ रही है, इसलिए दोस्तों लोगों की बातों की तरफ अधिक ध्यान न देते हुए अपने जो है काम पर ध्यान को केंद्रित रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति की मदद आपकी तरक्की के लिए फायदेमंद साबित होगी। विद्यार्थी लोग अपनी नौकरी संबंधी विभागीय परीक्षा में पूरी तरह मेहनत करें, ये जो समय है आपके लिए अनुकूल परिणाम भी आपको हासिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि नौकरी में अपना टारगेट पूरा करने में कोई विशेष उपलब्धि भी आपको हासिल हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिस्थितियाँ अनुकूल है परंतु अपनी व्यवसायिक योजनाएँ गुप्ती रखें। यश में बाहरी संसाधनों द्वारा अच्छे ऑर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं होने से तनाव बढ़ सकता है, परंतु स्टाफ और कर्मचारियों के सहयोग से आप परिस्थितियों को संभालने में भी सक्षम रहेंगे। आपको बता दें कि करियर में पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां भी दूर होंगी तथा स्थिरता भी यश में आने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों पारिवारिक वातावरण सुखद व फिर सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा। आपस में मनोरंजनात्मक समय व्यतीत होगा।
इसको प्राण दोस्तों यशो में आपके लिए सुनूंगी, आपकी लव लाइफ के लिए सुनूंगी। आपको बता दें कि दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी आप परिवार के साथ डिनर अथवा मनोरंजन संबंधी कोई प्रोग्राम भी बनाएंगे जिससे सभी पारिवारिक सदस्य खुशी हुए महसूस करेंगे। और इसके प्राण दोस्तों यशो में आपके लिए सुनूंगे, आपके लव लाइफ के लिए सुनूंगे। आपको बता दें कि दोस्तों अपने वैवाहिक जीवन में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें, किसी भी पारिवारिक समस्या को आपस में बैठकर ही सुलझाने का प्रयास करें, इनसे दोस्तों परिस्थितियों को आप संभाल पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशो में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों त्वचा संबंधी कोई एलर्जी की आशंका है, अधिक सर्दी या फिर खुले वातावरण में जाने से पहले अपने बचाव का पूरा ध्यान रखें दोस्तों, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशमय बेहतर साबित होंगे। आपको बता दें अगर आप इन सावधानियों को रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ बदलते मौसम की वजह से हल्की फुल्की परेशानी महसूस हो सकती है, परंतु फिक्र करने की इसमें जरूरत नहीं होगी। साथ ही दोस्तों यशमय अत्यधिक थकान तथा तनाव हावी होने की वजह से शारीरिक कमजोरी भी महसूस होगी। कुछ समय अपने आराम के लिए भी अवश्य निकालें।